यह एक सच्ची घटना है जिसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया था। 24 दिसंबर 1999 का समय था। नेपाल के काठमांडू से दिल्ली को जाने वाली एरोप्लेन टेकअप कर चुकी थी, लेकिन इस एरोप्लेन में 171 पैसेंजर के साथ साथ पाकिस्तान के 5 हाईजेकर भी घुस गए थे, जिन्होंने एरोप्लेन के उड़ते ही एरोप्लेन के पायलट देवी शरण के सिर पर बंदूक रख दिया और एरोप्लेन को पाकिस्तान में ले जाने को कहा। देवी शरण को मजबूरन उनकी बातों को मानना पड़ा। कुछ समय में पाकिस्तान के लाहौर में जहाज को लैंड कराया जाता है, फिर उसके अंदर फ्यूल भरवा कर उस जहाज को हाईजेकर वापस उड़ा देते हैं और फिर अफगानिस्तान के कांधार में लेकर ले जाते हैं। जहाज में बैठे यात्रियों का बहुत बुरा हाल था और उन यात्रियों को छोड़ने के बदले हाईजेकर भारत सरकार के सामने एक शर्त रखते हैं। उन आतंकियों का शर्त था भारत के जेल में बंद 3 आतंकियों को आजाद करना। उस समय भारत सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, इसलिए मजबूरन उनकी बात को मानना पड़ा और उन 3 आतंकियों को आजाद करना पड़ा और इस प्रकार भारत सरकार ने उन सभी यात्रियों की जान बचाई।